सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी आप सबको? बच्चे, कैन यू हियर मी? ऑडियो जा रही है प्रॉपर? आवाज सुनाई पड़ रही है बच्चों को? गुड, वेरी गुड बच्चे। तो आज राखी है, रक्षाबंधन है। आप सबको राखी की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। सबने राखी बांधा और बंधवाया होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी, बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्स एटॉमिक मॉडल में लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना सिखा रहे थे, समझा शायद, कि कैसे हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड काउंट करते हैं किसी बोर ऑर्बिट में। नहीं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन काउंट करना हम लोग सीख रहे थे। तो यस सर। वहीं से आज लगता है कुछ लोगों ने राखी की छुट्टी मना ली है। एब्सेंट है, काफ़ी एब्सेंट हैं, 5-6 लोग एब्सेंट हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग कर रहे हैं, और बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। कि अगर अगर न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा। जस्ट वहीं से जरा सा उसको रिकनेक्ट करते हैं कि डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा, 2πr, सर्कमफेरेंस के बराबर। इफ एन रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में एन रिवॉल्यूशन होता है, देन द डिस्टेंस इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 2πr इंटू एन। 1 रिवॉल्यूशन में 2πr, तो एन रिवॉल्यूशन में 2πr इंटू एन, एंड दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड इज स्पीड। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहां से आ जाता है क्या, स्पीड डिवाइडेड बाय 2πr। इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसमें अगर एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दें स्पीड और रेडियस का, तो स्पीड का क्या इक्वेशन था, वी नॉट जेड अपॉन एन डिवाइडेड बाई 2πr। क्या होता है, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। इसे हमने लिखा था वी नॉट अपॉन 2πa0, वी नॉट अपॉन 2πa0 एंड जेड स्क्वायर अपॉन 10³। और ये कॉन्स्टेंट है जिसके लिए हम याद रख सकते हैं 6.65 इंटू 10⁻¹५ होता है वो कांस्टेंट, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n³। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में फ्रीक्वेंसी ऑफ
रिवॉल्यूशन का एक्सप्रेशन होता है ना। बाकी इक्वेशन याद रहना चाहिए, और तो कुछ है नहीं इसमें, एक आध कैलकुलेशन करके हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन से 1 मिनट टाइम चेंज कर दिया अगर निकालना है, तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लें, रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड निकाल लें और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 सेकेंड में इतने रिवॉल्यूशन, तो 60 सेकेंड में इंटू 60 हो जाएगा, है ना। सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, कॉन्स्टेंट एफ नॉट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन का पावर 3, इट इज एफ नॉट हाइड्रोजन के लिए 1 जेड, एन इज 3 का स्क्वायर, सो इट इज एफ नॉट अपॉन 9, दैट इज रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट विल बी वॉट, 60 इंटू फ्रीक्वेंसी, 60 इंटू एफ नॉट अपॉन 9, 3 से काट लो, 3 3 9, 20, सो 20 अपॉन 3 इंटू एफ नॉट, एफ नॉट की वैल्यू रख देंगे, सो 20 अपॉन 3 इंटू 6.55 इंटू 10 का पावर 15। इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये समवेयर अराउंड 2.18 हाँ, 3 का क्यूब होगा ना, 3 का क्यूब होगा, सही कह रहे हो, 27 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, तो ये 3 से लगेगा, तो 3 9 जा और 3 20, 20/9 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा 20/9 एफ नॉट, सो 20/9 इंटू 6.55 इंटू 10 का पावर 15 रिवॉल्यूशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 20 into 6 120 एंड 20 into 0.55 11, तो 131 ये हो जाएगा 131 नहीं डिवाइडेड बाय 9 into 10 का पावर 15, ये समवेयर अराउंड कितना हो जाएगा, 9 से 9 1 जा 9, 4 4 1 41 9 36, 5 अराउंड, इस तरह से सॉल्व होगा फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। इसी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक और क्वांटिटी है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी, ये क्या है, एक चक्कर लगाने में
एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा? हाउ मैनी टाइम इज टेकन इन कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन? एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? जस्ट वन सेकेंड, किसी का लिंक ओपन नहीं हो रहा है सर। लिंक नहीं ओपन हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, लिंक ओपन नहीं होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सो टाइम पीरियड इज व्हाट? टाइम रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अब देखो, एफ रिवॉल्यूशन इन वन सेकेंड, बताओ फ्रीक्वेंसी का यही मीनिंग होता है ना। एफ रिवॉल्यूशन, एफ का वैल्यू जो भी होगा, 100,000, 10,000, एफ रिवॉल्यूशन इन वन सेकेंड। तो वन रिवॉल्यूशन यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा? इन वन अपॉन एफ सेकेंड। ये टाइम पीरियड, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड इज वन अपॉन एफ, ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन एफ नॉट इन टू एन का पावर 3 अपॉन जेड स्क्वायर। उल्टा हो गया, वन अपॉन एफ नॉट, नीचे वैल्यू रखेंगे 6.55 10 का पावर 15 इंटू एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाता है 1.51 इंटू 10 का पावर -16 एन का पावर 3 अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। वैसे टाइम पीरियड का इक्वेशन याद रखना जरूरी नहीं है, फ्रीक्वेंसी वाला इक्वेशन याद रखो और कॉन्सेप्ट रखो कि टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का जस्ट इनवर्स टाइम पीरियड होता है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो अगर कोई कैलकुलेशन करना हो क्या है, किसी का लिंक नहीं चल रहा है, मैसेज आ रहा है बार बार। सो टाइम पीरियड अगर निकालना हुआ किसी का, सपोज करो करा डिटरमिन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग से 100 रिवॉल्यूशन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। 100 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, तो एक रिवॉल्यूशन में टाइम निकाल लेंगे, टाइम पीरियड, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है या नहीं?
तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा टाइम पीरियड होगा वन अपॉन एफ क्या है ये 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 16 इंटू एन का पावर 3 अपॉन जेड स्क्वायर। सेकेंड पीरियड ऑफ हाइड्रोजन तो जेड इज इक्वल टू 1, सो इट इज 1.5 इंटू 10 का पावर माइनस 16 इंटू 2 का पावर 3 सेकेंड, सो 8, 1.5 इंटू 8 इंटू 10 का पावर माइनस 16 सेकेंड। सो फॉर 100 रिवॉल्यूशन टाइम क्या हो जाएगा? 100 टाइम्स टी हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 8 इज 12, 12 इंटू 10 का पावर माइनस 16 इंटू 100, सो इट विल बी 1.2 इंटू 10 का पावर, दो जीरो इधर से और एक इधर से चला गया, 3 माइनस 13 सेकेंड हो जाएगा। टू जीरो इसके लिए लिया और यहाँ पे 12 को 1.2 कर दिया, तो 10 का पावर 3 ऊपर जाके ऐड होगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये सब है बोर मॉडल पे। एक सीक्वेंस में देखो आपने क्या क्या किया, रेडियस निकाला, स्पीड निकाला और उसके बाद स्पीड से ही रिलेटेड ये सब चीजें हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टाइम, ये सब। अब आज आ जाओ बोर मॉडल के सबसे अहम मोड़ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और वो आखिरी पॉइंट है लेकिन काफी बड़ा है वो, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट टू का पावर थ्री एन का पावर थ्री। ये कौन है भाई, ये किसको शौक लगाया बोर्ड पे लिखने का? सर वो टू का पावर थ्री एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर की वैल्यू है क्या? संकेत, हु इज दिस संकेत, कौन है ये संकेत? ये संकेत बच्चा कौन है? बोलो जी कौन है संकेत, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट टू का पावर थ्री एट, ठीक तो है? एक सेकेंड रुको, मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था टाइम फॉर कंप्लीटिंग 100 राउंड इन सेकेंड ऑर्बिट, तो टू का पावर थ्री, टू का पावर थ्री इज एट, एट इंटू 1.5 12, 12 इंटू 10 का पावर 16,
12 इंटू 10 का पावर 16 इंटू 100, 1.2 इंटू 10 का पावर 3, ठीक तो है सर? हमारी हवा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, सो इट इज 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, ठीक तो है? एन क्यूब सही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जरा देखें क्या है ये, अगर हम एक बोर एटम कंसीडर करें, अगर हम एक बोर एटम कंसीडर करें जिसमें यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी चीज जब मोशन में होता है बच्चे, जब मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। किसी भी पार्टिकल के पास अगर मोशन है, अगर उसमें गति है, मूवमेंट है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, दैट इज वन थिंग। और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो जब भी अगर अट्रैक्शन रिपल्सन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों तरह की एनर्जी है। अब आपको याद होगा बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया था तो एक इक्वेशन आया था। क्या आया था इक्वेशन याद है? के जेड स्क्वायर अपॉन आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर था ना? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करके ये इक्वेशन आया था ना, के जे डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, एक आर को दोनों साइड से कैंसिल कर दो और इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या होता है। लेफ्ट साइड में आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2R, और राइट साइड में आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, देखना आएगा क्या? और हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है काइनेटिक एनर्जी, बताओ होता है या नहीं? यस सर। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट इज व्हाट? के जेड स्क्वायर अपॉन 2R। ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, के जेड स्क्वायर अपॉन 2R। अभी देखते रहना। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन मैं ज़रूर समझाऊंगा आपको, आप देखना और कोशिश करना थोड़ा सा समझने का। मुश्किल इसलिए लग सकता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह यूज होता है, तो यूजुअली क्या करते हैं इस समय बच्चों को सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, बट मेरी वो आदत नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी समझाने का। फिर से एक बोर एटम कंसीडर करो जिसका रेडियस आर है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है। आप सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे अंदर के तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को। तो अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाना चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाना चाहते हैं, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से, और वो फोर्स इस एफ से बड़ा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए,
यस सर, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। यस सर, सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन को हम मूव करते हैं यहां पे, कितना डिस्टेंस मूव किया, डी आर, डीएक्स होता है ना, डी आर, आर से आर प्लस डी आर पे लेके चले गए। तो आप सब जानते होंगे कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे अभी अंदर फोर्स कितना लग रहा है, एफ, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डी आर। तो इसे स्मॉल स्टेप में हम वर्क डन अगर लिखें तो वर्क डन इन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आर टू आर प्लस डी आर, पहले आर पे था, अब आर प्लस डी आर पे है, इसको अगर हम डिनोट करें डी डब्ल्यू से, तो ये जो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन होगा वो एफ डी आर होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो क्लियर है। अगर इसी प्रोसेस को इन्फिनिटी टाइम्स रिपीट करें और इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आए, कहाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, क्या किया, डीआर 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 इन्फिनिटी बार रिपीट किया और इलेक्ट्रॉन फाइनली आ गया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, हर स्टेप के वर्क डन का सम, और अगर नंबर ऑफ स्टेप्स इनफाइनाइट हो जाए तो समेशन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। आपको थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में बताया होगा सर ने, कुछ बताया है मैथमेटिकल फिजिक्स सर ने, बताया है मुझे मालूम है। Yes, sir. तो टोटल वर्क डन इन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिस्टेंस आर टू इन्फिनिटी को अगर डब्ल्यू से डिनोट करें तो ये डब्ल्यू कुछ और नहीं इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू होगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। इंटीग्रेशन हमेशा एक लिमिट के बीच में होता है, तो इसका लिमिट होगा आर से इन्फिनिटी। समझ गए। यहां पे अब पोटेंशियल एनर्जी मैं डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव ऑफ द वर्क डन माइनस ऑफ द वर्क डन इन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। आर से इन्फिनिटी पे ले जाने में जो वर्क डन होता है माइनस ऑफ दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की है तब जाके डेफिनेशन लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव ऑफ वर्क डन इन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिस्टेंस आर टू इन्फिनिटी। सो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम ई पी कह रहे हैं ये बेसिकली माइनस ऑफ डब्ल्यू है, माइनस ऑफ डब्ल्यू। सो इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। और एफ आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई पी हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इन टू डी आर आर टू इन्फिनिटी। एफ की वैल्यू रख दिया मैंने, फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इसमें देखो के जेड ई सब कांस्टेंट है, सबको बाहर निकाल लेंगे तो माइनस के जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर आर टू इन्फिनिटी।
क्या आप जानते हैं डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय एक्स होता है? पढ़ा है ये सब थोड़ा बहुत? तो अंदर डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस वन बाय आर। तो ये हो जाएगा माइनस के डी स्क्वायर, अंदर हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर, लिमिट लगाएंगे आर टू इन्फिनिटी। इस माइनस को बाहर निकाल लो तो प्लस हो जाएगा, प्लस के जेड स्क्वायर। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब लिमिट रखते हैं तो अपर लिमिट पहले रखते हैं, तो ये हो जाएगा अंदर में वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन आर। वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ई पी इज इक्वल टू, देखो ये माइनस रह जाएगा, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। समझ गए तो अच्छा, समझ गए तो बहुत अच्छा, और नहीं समझे तो प्रभु की इच्छा। याद रखना ये इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी का, एक दो बार इसको देखेंगे तो समझेंगे। मैंने शुरू में कहा था पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये सब ट्वेल्थ क्लास में फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में ये सब बताया जाता है, लेकिन एटमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पहले ही आ जाता है, तो थोड़ा बहुत इसको देखना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना है, R से इन्फिनिटी ले जाना है, वर्क डन निकाल के माइनस कर देना है। R से इन्फिनिटी ले जाने में वर्क डन क्या होगा, एफ डी आर का इंटीग्रेशन, निगेटिव उसका कर दिया, तो माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई के प्लस ई पी, ई के इज वाट, के जेड स्क्वायर बाय टू आर, ई पी सामने लिखा हुआ है माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। के जेड स्क्वायर बाय आर कॉमन है दोनों में, है ना, के जेड स्क्वायर दोनों में कॉमन है, के जेड स्क्वायर बाय आर वन बाय टू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस हाफ, सेट इज माइनस के जेड स्क्वायर बाय टू आर। ये आ गया एनर्जी का एक्सप्रेशन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा कुछ क्वालिटेटिव बातें पहले समझो, पहले जरा कुछ क्वालिटेटिव टर्म्स को समझेंगे। ये देखो ई पी क्या है, ई पी है माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। ई के क्या है, ई के है के जेड स्क्वायर बाय टू आर। दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? काइनेटिक एनर्जी को टू से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लगा दो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को टू से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लगा दो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यानी कि ई पी और ई के में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी इज टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी विथ नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है विथ साइन अपोजिट। यहां देखो ये टोटल एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, टोटल एनर्जी इज टू टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को टू से, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इज टू टाइम्स टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को टू से मल्टीप्लाई करो पोटेंशियल बन जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करोगे ये टू कैंसिल हो जाएगा, सो ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी इज टू टाइम्स टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को टू से मल्टीप्लाई करो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। समझ गया? और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, दोनों इक्वल है, साइन अपोजिट है। ई के इज माइनस ऑफ ई, टोटल एनर्जी का साइन चेंज कर दो तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ये आ गया, एक बार और समझाओ ना कुछ रिलेशन।
अब जरा टोटल एनर्जी के इक्वेशन को एक बार फिर से देखो, वहां से फिर थोड़ा न्यूमेरिकल वर्कअप स्टार्ट हो जाता है। टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी है माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन 2R। देखो माइनस के जेडी स्क्वायर बाय 2R है ना। अब इसमें R का इक्वेशन रख दो, R जो हमने सॉल्व किया था, सर 1/2 ही आएगा। कहां पे सर? वो पोटेंशियल एनर्जी का कहां पे आएगा? काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी तो सेम ही है। ये देखो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, बस साइन केवल अपोजिट है। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को इज इक्वल टू 2 times टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर हो जाता है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? तो काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ठीक है बच्चे। टोटल एनर्जी इज माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2R, माइनस के जे डी स्क्वायर बाय 2R। अब यहां पे R के लिए इक्वेशन रखो, क्या आ जाएगा? माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2। आर के लिए क्या रखेंगे? ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, याद है ना? रेडियस क्या होता है? ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड होता है ना। अब जरा इसको सिंपलीफाई करो, ये जेड है, कहीं ये इसको कैंसिल मत कर देना, ये जेड है, ये जेड ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस के, ध्यान से देखना, के ई स्क्वायर अपॉन 2a0 और ऊपर हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये जेड ऊपर जाके जेड स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एन स्क्वायर। फिर से देखो बच्चे, ब्रैकेट के बाहर का सभी टर्म कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर का सभी टर्म कांस्टेंट है। ये कौन है? ठाकुर रोज आता है और 2 मिनट में गायब हो जाता है। ये सभी टर्म, ब्रैकेट वाला, बड़े वाला ब्रैकेट वाला, ये सब कांस्टेंट है और इसलिए उसे हम लिखेंगे अब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, ये देखो कांस्टेंट को लिख रहा हूँ मैं, ई के एनर्जी कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये देखो सबसे काम का इक्वेशन आया एनर्जी में, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ई के कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट, एंड दैट ई के एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का एक यूनिट होता है। जब एनर्जी वेरी वेरी स्मॉल हो तो उसको स्मॉलर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में लिखते हैं, और अगर इसे एसआई यूनिट में लिखना हुआ तो जूल में ये 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल बन जाएगा। एक ही चीज़ है दोनों, अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस यूनिट में एनर्जी दिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो 13.6, जूल यूनिट में तो 2.18 × 10⁻¹⁸। समझ गए? तो इस तरह से एनर्जी का इक्वेशन आ गया। सबसे पहले तो जरा इसको एनालाइज करो कि एनर्जी का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब मैं एन की वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू रख रख के कुछ एनर्जी लिखता हूं। देखो E1 फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम बात कर रहे हैं। E1 क्या हो जाएगा? माइनस ई के इंटू जेड तो 1 ही है, अपॉन 1 का स्क्वायर, सो इट इज माइनस ई के माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी हो गया। E2 क्या हो जाएगा? माइनस ई के 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर,
माइनस ई के बाय फोर माइनस 13.6 बाय फोर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। अगर ई का वैल्यू एन का वैल्यू 3 रख दें तो ये माइनस ई के 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस ई के बाय 9 माइनस 13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1. सॉरी माइनस साइन के साथ माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से ई फोर क्या हो जाएगा, माइनस ई के 1/4 का स्क्वायर माइनस ई के बाय 16 इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 16। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज का रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेजता हूँ, रात में अभी नहीं, क्योंकि अभी फिर आगे क्लास होती है ना, लगातार क्लास होती है, तो रात में 9 बजे तक डाल दूँगा रिकॉर्डिंग इसकी, क्योंकि आज राखी के लेके कुछ एब्सेंट भी हैं। तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन के स्टेशनरी ऑर्बिट में कुछ एनर्जी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। जरा अब इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ, जरा ध्यान देना। सपोज करो थोड़ा लिखना रहेगा, ये वाई एक्सिस जिस पे कि हम एनर्जी को रख रहे हैं, वाई एक्सिस पे और यहाँ पे मान लो 13.6 है, माइनस ई, माइनस साइन एनर्जी में ले लिया, माइनस ई का वैल्यू रख लिया 13.6, तो ये हो गया ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर 3.4 यहाँ ले लो, फिर 1.51 यहाँ ले लेते हैं, 0.85 यहाँ ले लेते हैं। तो देखो ये एनर्जी है डिफरेंट ऑर्बिट का, ये एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट का, ये एनर्जी है सेकंड ऑर्बिट का, ये एनर्जी है थर्ड ऑर्बिट का, ये एनर्जी है फोर्थ ऑर्बिट का, ये है अपना E1, ये है E2, ये है E3 और ये है E4। तो एक बार फिर से अगर मैं आपसे पूछूं कि E2 और E1 के बीच में न्यूमेरिकली कितना वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है, 3.4 और 13.6 के बीच में कितना वैल्यू हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू, लेकिन वो सब वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है। सो ओनली E1, E2, E3, E4 एनर्जीज आर अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैन हैव सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के कुछ खास वैल्यू ही हो सकते हैं एनर्जी के, कुछ भी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो सकता है, 0.85 हो सकता है, 1.51 हो सकता है, 3.4 हो सकता है, 13.6 हो सकता है, इनके बीच का कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। ये क्या प्रूव करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। समझा, तो ये है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट में। अब एनर्जी में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, उसका क्या मीनिंग होता है, जरा सा एक मिनट उसे देखेंगे।
सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी। हम E इज इक्वल टू लिख रहे हैं माइनस ई के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे देखो नेगेटिव लगा हुआ है, यानी कि एनर्जी नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर हम हाइड्रोजन एटम लें और ये फर्स्ट ऑर्बिट लें n इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हैं? अब जरा ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को। अगर हम बाहर से इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें इलेक्ट्रॉन को, अगर बाहर से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को दे दें, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। खुद का एनर्जी माइनस 13.6 और बाहर से दे दिया हमने 13.6, टोटल हो जाएगा जीरो। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन पे अब न्यूक्लियस का कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे अब न्यूक्लियस का कोई अधिकार नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कोई कब्जा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्यों रहेगा एटम में, निकल जाएगा, घूमने चला जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। अगर हम बाहर से उतनी एनर्जी दे दें तो इलेक्ट्रॉन के पास नेट एनर्जी जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा एटम से। सो नेगेटिव साइन बताता है कि रेस्टोरिंग नेचर है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का। रेस्टोरिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज्ड है इतनी एनर्जी से। बाहर से अगर इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दें तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगा एटम में, और जब अनस्टेबल हो जाएगा तो क्यों रहेगा एटम में, निकल जाएगा। सो निगेटिव साइन साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट रेस्टोरिंग नेचर ऑफ एनर्जी, रेस्टोरिंग नेचर ऑफ एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रॉन इज स्टेबलाइज्ड बाय दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज्ड है उतनी एनर्जी से, अगर उतनी एनर्जी बाहर से दे दें तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाएगा और एटम से बाहर निकल जाएगा। समझा? तो आज एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने आपको निकाल के सिखाया। अब कल इस पे आपको कुछ ट्रांजिशन एनर्जी निकालना सिखाएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो कितना एनर्जी रिलीज करता है, और फिर उसी से रिलेटेड होगा कि जो एनर्जी रिलीज होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो लाइट के फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो फिर उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन वेवलेंथ। तो कल बोर मॉडल को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो ये मुश्किल दौर है, थोड़ा सा निकल जाएगा, लेकिन मुश्किल क्या कह सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है।
अभी जो सीरियस हो गया, सिंसियर हो गया, वो सीख लेगा। और नहीं तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम नहीं सुना होगा किसी ने आपके दोस्तों ने जो अभी तक पढ़ रहे होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन ये काम का कितना है, जैसे इसको कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस साल नीट में क्या आया, पिछले साल नीट में क्या आया, देन यू विल रियलाइज अरे ये तो बड़ा काम है। थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना? मैं इसकी रिकॉर्डिंग आज रात में अपलोड कर दूंगा, अभी तो नहीं, रात में, अभी और क्लास है, रात में कर दूंगा, ठीक है? चलो ओके, सी यू टुमारो।